देखो सब्जेक्टिव शीट नंबर 48 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एस्केप एट द मून गिवन रेडियस कैपिटल आर की वैल्यू दे रहे एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल जी दे रहे। तो एक बात बताओ, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या करवाया था, स्मॉल जी की फॉर्म में अंडर रूट ऑफ 2 स्मॉल जी आर, इसमें कैपिटल जी लेने की जरूरत ही नहीं है, वो स्मॉल जी की सीधी वैल्यू दे रहे हैं। तो कैपिटल आर पता है, स्मॉल जी पता है मून के लिए, तो मून के एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी पॉइंट नंबर वन। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ जुपिटर दे रहे हैं, तो मास ऑफ जुपिटर क्लियर है, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या होएगा, डिस डिवाइडेड बाय 2, रेडियस भी गिवन है, एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। अब क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, अब कैपिटल एम और कैपिटल आर दे रहे, स्मॉल जी नहीं दे रहा, तो फॉर्मूला 2 कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर। अब कैपिटल जी पता है, मास पता है और रेडियस पता है, आंसर जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, ठीक, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, करो इसके अंदर ये 9 है, इसको करो 9 टाइम्स, अब करो इसका आंसर क्या होगा। प्रभनूर एब्सेंट, रिद्धिमा एब्सेंट, वंश एब्सेंट, ये वन प्लस किसका फोन है प्लीज, नाम नहीं दिख रहा, तो अर्थ हैज अ मास 9 टाइम्स एंड रेडियस ट्वाइस द प्लैनेट ऑफ मार्स, तो ये अर्थ और ये मार्स, अगर मार्स का रेडियस आर है और मास एम है, तो अर्थ का क्या है, 9 टाइम्स एम है और रेडियस क्या है अर्थ का, ट्वाइस है, ये स्टेप क्लियर है, मार्स से ट्वाइस रेडियस है और 9 टाइम्स मास है। क्या करना है, कैलकुलेट मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय रॉकेट टू पुल आउट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मार्स, भाई तुम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मार्स से बाहर निकलना चाहते हो तो क्या चाहते हो, एस्केप वेलोसिटी निकालना मार्स की, तो मार्स के लिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मार्स के लिए एस्केप वेलोसिटी मान लो वीई डैश है और अर्थ के लिए वीई है, और वीई की वैल्यू तो पता ही होती है क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, याद है करवाया था, तो मार्स के लिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2 जी एम बाय आर इक्वेशन नंबर 1, और अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2 जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ इक्वेशन नंबर 2। आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी की जो रेशियोज आएंगी वो ऐसी आएंगी, एम बाय आर ये आ जाएंगे, तो इसके अंदर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आप निकाल लें, वी डैश निकालनी है, इसकी जगह 11.2 पुट कर दें, अंडर रूट ऑफ एम बाय आर इनटू रेडियस कितना है अर्थ का, आर डिवाइडेड बाय 2, और मास क्या है अर्थ का, नहीं आर बाय 2 नहीं 2r, तो यहां पे पुट करना पड़ेगा 2r और मास 9m, तो m से m r से r कैंसल, सॉल्व करके v e डैश की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर, ठीक है ना, तो
पॉइंट समझ में आ रहे कैसे करना है? ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ। तो क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन। तो ये लो, एस्केप वेलोसिटी सरफेस ऑफ अर्थ पे गिवन है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट ट्वाइस द एस्केप वेलोसिटी। तो हमने जो बॉडी को प्रोजेक्ट किया वो 2 × एस्केप से प्रोजेक्ट किया, तो ऑब्वियसली वो वापस तो आएगी नहीं, या तो एस्केप पे वापस नहीं आती, 2 times एस्केप पे तो बिल्कुल भी वापस नहीं आएगी, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस चली जाएगी। तो आपको बताना है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से क्रॉस करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वेलोसिटी क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सरफेस के ऊपर और यहां पर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, तो इसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पे क्या पुट करेंगे, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, और काइनेटिक की जगह क्या पुट करेंगे, हाफ इनटू इस ऑब्जेक्ट का साइज इनटू 2 × एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट पोटेंशियल की वैल्यू बोलो यहां पर क्या होगी, इंफिनिटी पे जीरो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ना फोर्स ना फील्ड ना पोटेंशियल ना पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी नहीं होता। और काइनेटिक यहां पर क्या हो जाएगी, हाफ ऑब्जेक्ट का मास इनटू वी डैश का स्क्वायर। इन्हें इक्वेट कर लेते हैं, तो माइनस जी एम एम बाय आर प्लस हाफ इनटू एम इनटू 4 × एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इनटू छोटा एम इनटू वी डैश का स्क्वायर। स्मॉल m तो यहां से हो गया कैंसल, तो यहां से माइनस g कैपिटल m बाई कैपिटल r प्लस हाफ इंटू 4 × एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, 2 × अंडर रूट ऑफ g कैपिटल m बाई कैपिटल r का अंडर रूट का स्क्वायर, ये टर्म आ गई, इज इक्वल टू हाफ इंटू v डैश का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में दो तरीके हैं, या तो कैपिटल m जी एम की जगह पुट कर लो स्मॉल g आर स्क्वायर, तो इसकी जगह पुट कर लेते हैं स्मॉल जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस 1/2 इंटू 4 × 2 बाय आर इंटू स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर इज वी डैश स्क्वायर बाय 2। तो यहां से आर कैंसल, इस आर से आर कैंसल, तो सॉल्व करके स्मॉल जी और कैपिटल आर 6400 किलोमीटर के हिसाब से वी डैश की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। लेकिन एक और तरीका है, दूसरा तरीका है, कोई कहता है कि यहां पर तो ऑलरेडी वैल्यू वेलोसिटी की गिवन ही तो है, कितनी 11.2, तो क्यों नहीं यहां पर पुट कर लेते 11.2, बात ही खत्म। तो पुट कर लो यहां 11.2 पुट करोगे, फिर आपको पता है क्या चाहिए होगा, सिर्फ ये वाली टर्म से आंसर। हाँ, ये ज्यादा आसान है, आप यहीं पे वैल्यू पुट कर लेना 11.2, किलोमीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, वो सॉल्व करके आंसर आएगा। नहीं तो ऐसे करना, ऐसे कर लो, बात तो एक ही है, आना तो आंसर सेम ही है।
जैसे ठीक लगता है कर लो, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, और मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है। तो अगर कैलकुलेशन को छोड़ दें, मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है। ठीक है, ये होमवर्क है, बाकी आपका इसमें कुछ करना नहीं है, सेम ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 48 के बाद शीट नंबर जो 49 है ना, ये टोटली ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले और टाइम पीरियड के सैटेलाइट के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। कैलकुलेशन बढ़ी है, इसमें समस्या ही है, बाकी सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। फॉर्मुला ही लगाने हैं ऐसे सैटेलाइट के क्वेश्चन के ऊपर, कुछ नहीं करना। आपने शीट नंबर 49 के बाद शीट नंबर 50 पे आना है, 50 एनर्जी कंजर्वेशन पे। इसके दो तीन क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट इज लॉन्च वर्टिकली फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यानी कि 10,000 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गिवन है, तो कह रहे हैं कितनी हाइट अटेन करेगा ये बताओ। तो वही रूल है, सम ऑफ पोटेंशियल सरफेस के ऊपर और काइनेटिक हाफ एम इन टू वी स्क्वायर, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी, पोटेंशियल। काइनेटिक क्या रहेगी यहां पर, जीरो। इन्हें इक्वेट करेंगे, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय आर प्लस हाफ इंटू एम इंटू 10,000 का स्क्वायर। अब कोई कह रहा था कि सर ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई, आप इसको किलोमीटर पर सेकेंड में रखो, अलाउड, कोई बात नहीं, आप किलोमीटर पर सेकेंड में रखो। फिर आप जी को 9.8 मत पुट करना कैपिटल जी एम में, देखो एक ऐसा ही चल रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक किलोमीटर, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो कहता है काम करते हैं जी को कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वो ठीक है, आप स्मॉल जी को 9.8 ना यूज करें, 9.8 में किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लें। उससे क्या होगा, उससे कैपिटल जी एम, ये स्मॉल एम तो कट गया ना, तो कैपिटल जी एम की जगह हम क्या पुट करते हैं, स्मॉल जी आर स्क्वायर। ऐसे यहां पर क्या पुट करते हैं, स्मॉल जी आर स्क्वायर ऐसे। तो यहां से हाइट कैन बी कैलकुलेटेड,
वो आपकी मर्जी है, आप वहां 10,000 पुट करना चाहते हो या स्मॉल जी को किलोमीटर पर सेकंड करना चाहते हो, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर लो। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो करना एनर्जी कंजर्वेशन है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन देखो ट्रिकी है, कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, मतलब इसको करने मतलब इसको करना आसान नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन आया, इजी कैलकुलेशन में क्वेश्चन आए, तो कैसे करने समझ में आ रहा है। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आते हैं, जैसे ऐसे आएगा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसे करना, इसे करें। A body is projected vertically upwards from Earth's surface to reach the height of 9 R. तो अगर ये अर्थ की सरफेस है एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो हम यहाँ पर कितनी हाइट पर आ गए? 9 R. तो आपको बताने की वेलोसिटी क्या थी जिससे कि बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, रूल वही है। यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी? माइनस GMM by 10 R, क्योंकि सेंटर से दूरी क्या है? 10 R, और काइनेटिक क्या हो जाएगी? जीरो। और सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या है या काइनेटिक क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल क्या है? माइनस GMM बाय आर। बस ये लो, इसे इक्वेट कर लेना, इसे इक्वेट करें। माइनस GMM बाय 10 R इज इक्वल टू माइनस GMM बाय कितना? R प्लस हाफ इंटू स्मॉल m इंटू वी का स्क्वायर। स्मॉल m की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? कैंसल। तो कैपिटल GM की जगह स्मॉल g r स्क्वायर पुट कर देना, ये लो, माइनस स्मॉल g r स्क्वायर बाय r प्लस v स्क्वायर बाय 2। तो r से r कैंसिल, r से r कैंसिल, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई? वेलोसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इसे प्लीज एज अ होमवर्क लिखो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, वी गिवन है, एच निकालना है, या एच गिवन है, वी निकालना है, एनर्जी कंजर्वेशन से ही होगा।